हेलो दोस्तों, शाओमी उनके मी यू आई पे ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहा है और यहाँ पे अपडेट्स पे अपडेट पुश करके न्यू न्यू फीचर्स उसमें ऐड कर रहा है। तो मैंने अपने रेडमी के ट्वेंटी प्रो में यहाँ पे लेटेस्ट चाइना बीटा का 9.12.5 मतलब मी यू आई 11.1 का ये बीटा वर्जन इंस्टॉल किया हूँ, जिसका सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 11 मंथ का यहाँ पे देखने को मिल जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के साथ आता है। तो इसका पहला पार्ट बनाया था कि मी यू आई 11.1 में आपको कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, तो ये भी आप वीडियो देख सकते हो। और उसके अलावा आज के इस न्यू अपडेट में भी बहुत सारे न्यू फीचर्स आए हैं जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। पर उसके पहले दोस्तों, हमारे चैनल पे बहुत सारे न्यू व्यूअर्स आ रहे पर चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी। सो यार, प्लीज़ पहले चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ जो साइड वाला बेल आइकन है वहाँ पे जाके यहाँ पे ऑल प्रेस कर देना, जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत तो आपको मिल जाएगा। और बात करते हैं सबसे पहले एक बेसिक फीचर्स की जो इस अपडेट में आपको देखने को मिलने वाला है। होम स्क्रीन पे टैप करके आप स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे आपका गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। हाँ गाइज, ये फीचर आपको मी यूआई 11.1 के अपडेट्स में 100% यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये एक बेसिक फीचर था। उसके साथ यार, कैमरा में बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे यार, यहाँ पे कैमरा में वीडियो सेक्शन में आपको यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में भी और वीडियो सेक्शन में आपको फी लॉक शॉर्ट वी लॉक का एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। वहाँ पे स्मॉल स्मॉल वीडियो एडिट होते हैं और यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में आपको काफ़ी कमाल का एक स्टिकर का फीचर देखने को मिलने वाला है, जिसमें आप टिकटॉक के वीडियो शूट कर सकते हैं और टिकटॉक जो लवर्स है, टिकटॉक जो यूज़ करते हैं उनको शूट करने के लिए ये फीचर यार काफ़ी कमाल का यहाँ पे ऐड किया गया है यार। इसी बात पे एक लाइक तो करना बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे न्यू न्यू टिकर्स और ये आपको देखने को मिल जाते हैं इस कैमरा एप्लीकेशन में। यार ये फीचर भी मुझे काफ़ी पसंद आया और कमाल का लगा। उसके साथ सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रख रही है शाओमी। तो यहाँ पे परमिशन मैनेजर में भी उन्होंने न्यू न्यू चेंजेस किए हैं, न्यू न्यू ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ऐप्स में आने के बाद, साइट में परमिशन में जाने के बाद देख सकते हो हर एक चीज़ का इन्होंने यहाँ पे परमिशन जो जो एक्सेस कर रहा है इसका सभी के यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब क्या यार, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा है शाओमी। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं न्यू फीचर्स की। तो यहाँ पे मैसेज सेक्शन में आपको कोई भी मैसेज करता है तो लेफ्ट राइट साइड में आपको डायरेक्ट कॉल का आइकॉन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 11.1 के अपडेट्स में। तो यार कोई भी आपको मैसेज करता है तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे कॉल करने का ऑप्शन भी यहाँ पे फाइनली मिल रहा है। उसके साथ सिम कार्ड एंड नेटवर्क्स, मोबाइल नेटवर्क में आपको एडवांस सेटिंग में यहाँ पे नेटवर्क के आईपी और डीएनएस सर्वर का एड्रेस भी आपको देखने को मिल रहा है। इसका क्या हेल्प होगा हमें ये मुझे पता नहीं, पर ये भी ऑप्शन फाइनली इस अपडेट के बाद देखने को मिलने वाला है। और यार यहाँ पे शाओमी उनके स्क्रीन टाइम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फीचर ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अपडेटेड स्क्रीन टाइम देखने को मिलने वाला है इंस्टेड ऑफ गूगल डिजिटल वेलबींग। तो हालांकि अभी गूगल डिजिटल वेलबींग देखने को मिलता है, पर यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम ये फीचर आपको आने वाले अपडेट्स में देखने को मिलेगा। उसके साथ यार ग्लोबल डार्क मोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि ये 11.1 के अपडेट के साथ ही आपको शायद ये ग्लोबल डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल्स ये भी फीचर यार देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही कुछ नया नया अपडेट्स आते हैं, न्यू फीचर्स आते हैं न्यू MIUI के साथ। तो आपको सबसे पहले मैं अपडेट इस चैनल पे करवा लूँगा, इसलिए चैनल के साथ बने रहना। जय हिंद।